71 में, लेकिन आप लोग को थोड़े याद रहेगा, आप लोग को तो केवल कश्मीर याद है, हम कश्मीर लेंगे। भैया पूर्वी पाकिस्तान आपका था, चला गया, उसको कहते हैं ले, ये समझ में आता है। बांग्लादेश 1972 में बना, आपकी रैंकिंग है 68, चाचा इधर देखिए, और बांग्लादेश की रैंकिंग है 44, आपसे अच्छा हो गया। बताइए बांग्लादेश के पास $45 बिलियन है और पाकिस्तान के पास $16 बिलियन, हम लोग से यह 37 गुना पीछे है, लेकिन फिर भी परमाणु बम मारेगा हम लोग के ऊपर, परमाणु बम चलाएंगे, ये चलाएंगे, 37 गुना पीछे है भैया। यहाँ देखिए इसे, ये 37 गुना, यहाँ देखो, यहाँ पे इतना पीछे है। एक्चुअली पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा काम किया चाइना ने, चाइना को आना था हिंद महासागर में भारत को छोड़ते हुए, तो यहाँ से उसने एक सड़क बनाया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अंधाधुंध पैसा लगा इस सड़क को बनाने में, और इसको कहा गया कि इस सड़क के दोनों ओर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, 10,000 फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ये हमारे चाचा को समझ में आया नहीं, फिसल गए वहाँ पे, 10,000 फैक्ट्री मतलब खिलवाड़ है 10,000 फैक्ट्री, कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा, उल्टे इन लोग पे ऊपर इतना भयानक कर्जा हो गया कि कर्जा को सोचिए मत। अब ये हाल हो गया है कि चाइना इनको कर्जा मांगता है ना, तो ये चाइना से कहते हैं 1 साल का टाइम दीजिए, ताकि 1 साल में हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह से कर्जा मांग के आएंगे, तो उस कर्जा से लेके आपका कर्जा चुकाएंगे। मतलब इन लोग का काम हो गया कि जगह जगह घूम घूम के अब ये लोग कर्जा मांगते फिर रहे हैं। ये सऊदी अरब में चले जाते हैं प्रिंस के पास कर्जा मांगने के लिए, देखिए सऊदी अरब प्रिंस कह रहा है आज आ जाओ बेटा तेरा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। ये देखिए आप इंसान की प्रोटोकॉल को देख के समझ, ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी की तरह आ जाओ बेटा आ जाए इधर आ जाओ। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा है ये, और मतलब इनके अब्बा है ये किंग सलमान, और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका देश के पास अगर पैसा है, इकोनॉमी है, तगड़ा है अगर पूरी रिसोर्सेज से, तो फिर आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आराम से मेहमान नवाजी होगी इस तरह से, आइए बैठिए। और अगर ऐसे जाएंगे भिखारी की तरह, आए चल तेरा पैसा देते हैं, कितना चाहिए, चल 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 इसको ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ। यहाँ पर चाइना के BRI प्रोजेक्ट में फंस के, चाइना के जो डेथ ट्रैप है उसमें कई देश फंसे, जिसमें अफ्रीका था, श्रीलंका था, मालदीव था, कई देश फंसने चले गए सब। इसमें सबसे बुरी तरह से फंस गया बेचारा पाकिस्तान। इवन अगर पाकिस्तान के लोग भी इसको देखेंगे तो अपने प्रधानमंत्री को बहुत गरियाएंगे। रियलिटी है, आप इसे चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, मुद्रा भंडार है, वो $16 बिलियन है। ये कोई चीज छुपी नहीं रहती है, ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से बता रहे, जबकि पाकिस्तान का जो विदेशी कर्जा है वो $294 बिलियन है। अब कोई घोचू भी होगा यार, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भैया हमारे पास टोटल $16 बिलियन है, ये इसी में पेट्रोल खरीदना है, राफेल को काउंटर करने के लिए आपको हथियार खरीदना है, परमाणु बम भी खरीदना है, गजवाए हिंद जो करना है आप लोग को, है कि नहीं आप $16 बिलियन है, हिंद जीतेगा सब। तो अब बताओ यार, कोई गधा भी होगा तो $16 बिलियन में से कभी लेगा $294 बिलियन कर्जा? अब आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखे होगे तो सोचो अपने देश के प्रधानमंत्री और नीति निर्माण वालों को कि कितना ज़्यादा कर्जा लिए, कभी भी ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, मजाक पे मजाक बनते हैं, सब मीम बनेगा यहाँ पर, और इनको उड़ा ले गया बेचारा सी जिनपिंग के जाल में फंस चुके हैं, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब इधर उधर कर्जा मांग रहे। इसीलिए हम आप चाचा के लिए हम क्या बोले, हम मन क्या बोले इनके लिए, सुनिए ध्यान से। नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा, और इमरान खान की पत्नी को सी जिनपिंग लेके भागा, कहीं क्या तुमको क्या, ये तो होता है। चाइना जो है वो कर्जा देता है तो कर्जा के बदले या तो जमीन ले लेता है श्रीलंका की तरह, नहीं तो इज्जत ले लेता है पाकिस्तान वालों की तरह। अब हम क्या बताएं, BRI प्रोजेक्ट का काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने प्लान बनाया है वो एकदम बेस्ट है, और उन लोग जो लोग कह रहे थे बाइडेन के जीतने पे कि ये चाइना का कुछ नहीं करेगा, अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का